दोस्तों मीरा भाईंदर म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने एक नया टैक्स लगाया है कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी दुकान गोडाउन है, जो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज यूज होती है और भाड़े पे दी जाती है, उस पर 20% भाड़े पे टैक्स लगाया है। इनका टैक्स का दर है 20% जो आपका एग्रीमेंट वैल्यू है रेंट का वो, या फिर 10 रुपया प्रति स्क्वायर फीट प्रति माह प्रति ईयर। आप सोचिए कि ये टैक्स कितना ज्यादा है। अभी ये टैक्स पहली बात बता दूं कि जीएसटी से ज्यादा है। जीएसटी ज्यादा में ज्यादा 18% है रेंट पे, कंपोजिशन स्कीम होगा तो 6% है, ये उससे भी ज्यादा है। जब जीएसटी आया था 2017 में, तब ये बोला गया था कि वन इंडिया वन टैक्स, सब टैक्स समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ जीएसटी रहेगा। अब ये 1-2% नहीं 20% टैक्स आ गया है, और 20% टैक्स इन्होंने लिवाई कर दिया है। अभी नोटिसेस भेज रहे हैं सबको। अब 20% मतलब आपको रेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो दुकानदारों को ज्यादा रेंट 25% देनी पड़ेगी। मान लो आपका 100 रुपया भाड़ा आ रहा है, तो आपको 20% देना है, तो आप भाड़ा बढ़ाओगे। तो अब जब आप 125 भाड़ा बढ़ाओगे तो उसमें 20% होगा, 25 रुपया वो माइनस करेंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। मतलब आपको भाड़ा कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25%। ये टैक्स 2018 में लगाया गया, जब पूरा बहुमत किसका था, बीजेपी का था। मेयर कौन थी, डिंपल मेहता। इन्होंने कोई कॉरपोरेटर ने सोचा समझा नहीं और इन्होंने टैक्स लगा दिया। आप ये सोचिए, इस टैक्स का कोई बीजेपी के कॉरपोरेटर विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद इन्होंने पास किया टैक्स, 20% टैक्स लगाया है, और अब नोटिसेस जारी कर दिए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हम टैक्स लेवाई करेंगे कैसे भी करके, क्योंकि महासभा में पास हुआ है। याद रहे 2020 में महासभा में पास हुआ था कि कोविड के समय कि टैक्स कम किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स कम किया जाए, तो तब कमिश्नर ने पल्ला झाड़ दिया और बोला कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। अब ये 20% टैक्स लगाया है जो कि सरासर अन्याय है। ये पूरे बिजनेस मीरा रोड में बंद करने के लिए किया गया है। सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि हम एक साथ हो जाएं और इस टैक्स का विरोध करें। आप इसके लिए आम आदमी पार्टी से संपर्क कर सकते हैं। हम इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, और ये टैक्स 2018 में लगाया था, तब कौन थे कॉरपोरेशन में, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और ये टैक्स के खिलाफ लड़ेंगे और ये टैक्स हटा के रहेंगे, क्योंकि ये जीएसटी से भी ज्यादा है, इनकम टैक्स से भी ज्यादा है। इनकम टैक्स भी इतना नहीं है जितना ये लोग टैक्स लगा रहे हैं कॉरपोरेशन। और ये पैसा कहां यूज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा गटर तोड़ के वही गटर बनाते हैं। हजारों करप्शन के मैटर है, या इतना करप्शन है कि जो एक्स कमिश्नर है उस पर ईडी लगाई गई। आप सोचो, ये हमारे से पैसा लूट के ये खर्चा करेंगे और लूट मचाएंगे। हाँ, और वो जो पैसे पूरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लूटे जा रहे हैं उसकी कोई इंक्वायरी करे। हजारों करप्शन के मैटर है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टैक्स लगाना और फिर करप्शन करना और जनता पर बोझ डालना, ये सरासर अन्याय है। आम आदमी पार्टी इसका बहुत विरोध करती है और ये टैक्स हटा के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।